बच्चों आप लोगों ने कुछ ये फॉर्मुले तो ऑलरेडी पढ़ लिए है एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन पढ़ा एक कंपैरिजन देता हूं क्या होता है एन एक्स टू दावर एन माइनस वन वेरिए पावर कांस्टेंट इसका उल्टा कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल क्या लिखेंगे एन टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ एन वेरिएबल टू पावर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टू दी पावर वेरिएबल इट मीन ए टू दी पावर एक्स एंड वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल एक्स टू दावर एक्स ये डिफरेंशियेशन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा जो हम लोग इस मैथड के साथ डिस्कस करेंगे तो देखो एक्स टू दावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो की एक छोटा सा पॉइंट है विथ प्रूफ आपको करना होता है बोर्ड लेवल पर लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको डायरेक्ट भी याद रखो प्रोसेस मैथड फंक्शन टू दि पावर फंक्शन कोई भी क्वेश्चन आ जाए टेकिंग लॉग बॉथ द साइड एट फर्स्ट टेकिंग लॉग दोनों तरफ लॉग लिया बच्चों बहुत सिंपल सा प्रोसेस पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए प्रॉपर्टीज वगैरह लगाते जाओ पावर कहां आएगी आगे लॉग एक्स पहुंच गए अब यहां डिफ्रेंशिएशन की बारी आती है डिफ्रेंशिएट बॉड द साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्टार्ट करते हैं लॉग वाई का जैसा अभी बताया वन अपॉन वाई वाई बाई डी एक्स और जब इस तरीके से पावर वाले क्वेश्चन आप लोग करेंगे यहां पर तो हमेशा लॉग लेने के बाद यहाँ प्रोडक्ट रूल ही क्रिएट होगा बच्चों यू डॉट वी जानते हैं हम लोग देखो एक्स को सेम रखा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स और लॉग एक्स को सेम रखते हुए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा वन और इसको सिंप्लीफाई कर लो ये एक्स कैंसिल वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाता है y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया वन प्लस लॉग एक्स और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसे पुट करना है एक्स टू दावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जिसका रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट भी याद रखें एक्स टू दावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स लेकिन बोर्ड लेवल पर इस फॉर्मूले को आप कहीं पर भी यूज में डायरेक्टली नहीं लेंगे फॉर्मूला नहीं है प्रूफ है प्रूफ के साथ ही इसको करना होता है चलो अब आते हैं कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों फोर टाइम्स आ चुका है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फोर टाइम्स आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लेटेस्ट टू में आया है अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब आता है फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज क्लियर रहती है जैसा अभी मैंने भी कई बार कहा टेकिंग लॉग बौद्ध साइड और स्टूडेंट शुरू बात कुछ इस तरीके से करता है टेकिंग लॉग बॉट द साइड ये स्टार्टिंग ली एक्स टू दावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू दावर कॉस एक्स और जो अगर ये स्टार्टिंग ले ली बच्चों तो क्वेश्चन इसी जगह गलत हो जाता है आपका जीरो मार्क्स बिकॉज याद है शुरू में सबसे पहले क्या लिखा था लॉग ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी वो चीज यहां अप्लाई मत कर देना पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा जीरो मार्क्स मिलेंगे तो फिर क्वेश्चन की स्टार्टिंग किस तरीके से होगी क्या प्रेजेंटेशन होगा उसको समझना है डिफ्रेंशिएशन तो बहुत है स्टैंडर्ड्स का होगा स्टैंडर्ड फंक्शन है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसे वाई मानेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे लेट एंड और एक इक्वेशन बना लेंगे बच्चों इक्वेशन बनेगी ये फिर दोनों तरफ सिंबॉलिकली इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हुए लिखेंगे वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स कोई दिक्कत इसमें ये इक्वेशन नंबर वन अब क्वेश्चन आपका यहां सेपरेट हो जाता है दो पार्ट में आ जाता है देखो यू इक्वल टू क्या माना था आपने x टू दी पावर साइन एक्स और v इज इक्वल टू आपके पास क्या है साइन x टू दी पावर cos x और जिस तरीके से डिफ्रेंशिएशन हमने x टू दी पावर x का किया उसी तरीके से कोई भी फंक्शन आ जाए प्रोसेस वही है प्रोसेस वाइज कोई दिक्कत नहीं आने वाली ओके okay? देखें जरा एक पार्ट का मैं बताता हूं फिर सेकंड वाला पार्ट आप अच्छा फॉर्मेट पहले मैं क्लियर कर दूं जैसे ही दोनों तरफ लॉग लोगे ये टैकिंग लॉग बोथ द साइड अब यहां लिया जा सकता है ये चीज बन के निकलेगी बच्चों साइन एक्स इन लॉग एक्स पावर आगे आ जाएगी इधर भी दोनों तरफ लॉग लिया आपने तो ये बनेगा कॉस एक्स इन टू लॉग ऑफ साइन एक्स देख पा रहे हो लॉग लेने के बाद की पोजिशन अब यहां डिफ्रेंशिएशन करो प्रोडक्ट लगाओ यहां से आपको डी यू बाई डी एक्स मिलने वाला है और यहां से आपको डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा

एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं डी यू बाई डी एक्स कैसे आ रहा है उसी प्रकार से आप डी वी बाई डी एक्स निकाल पाएंगे अपॉन एक्स लॉग एक्स को सेम रखते हुए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपने किया बच्चों कॉस एक्स कोई दिक्कत प्रोडक्ट रूल यू डॉट वी ओके यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यू की वैल्यू पुट कर देनी है तो इसी जगह मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट दे रहा हूं बच्चों ध्यान देना ये log यू था आपका तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके और यू की वैल्यू क्या है u इज इक्वल टू एक्स टू दावर साइन एक्स ये आपका du यू बाई डी एक्स आ गया एक्स टू दावर साइन एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स टू दी पावर साइन एक्स एक्स की पावर कितनी है वन। ये ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों ये बनेगा टू तो दी पावर और इधर कोई इशू है नहीं ये इक्वेशन नंबर टू आ जाएगी यार और इसी प्रकार से v से क्या फाइंड करना है डीवी अपॉन डी एक्स और तीनों इक्वेशन को यूज में लेते हुए फाइनल आंसर आप देंगे डीवाई बाई डी एक्स आई होप सब लोग कर पाओगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट अगेन दिखने में बड़ा सिंपल सा बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने में भी ज्यादा जाएगा लेंदी है प्रोसेस भाई बच्चों जब भी कोई भी दो फंक्शन पावर में प्लस और माइनस के साथ दिख जाए एडिशन सब्टशन के साथ डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है इस चीज को ध्यान रखो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना इस चीज को याद रखो ओके रिपीट किया है मैंने गलती ना हो अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए जैसे ये प्लस के साथ है डायरेक्ट लॉग नहीं लेना एक को यू माना दूसरे को वी माना इक्वल टू वन सिंबोलिकली डिफरेंशिएशन किया डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इन सब क्वेश्चन को फेयर कर लेना एक्यूरेट बिना किसी गलती के एनसीईआरटी से आंसर मैच होना चाहिए फॉर्मेट में दे रहा हूं पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं कराएंगे इजी पार्ट है इसको देना इक्वेशन नंबर वन और ये आपका फिर आगे बढ़ता है क्वेश्चन वही दो पार्ट में यू इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई एंड वी इज इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स टेकिंग लॉग बोथ द साइड बच्चों अगेन एक पार्ट में बताऊंगा दूसरा आप अपने आप करेंगे लॉग यू वाई इन टू लॉग एक्स चल रहा है पता आप तो लॉग लेने के बाद पावर आगे आई प्रॉपर्टी लगी फॉर्मूला लगा ये चीज बन गई इसी तरीके से यहां पर बन जाएगा आपके एक पार्ट और ये आ जाता है लॉग यू का वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल ऑलवेज प्रोडक्ट रूल इन राइट हैंड साइड y सेम log x का वन अपॉन एक्स और log x को सेम रखते हुए y का बच्चों डीवाई बाई डी एक्स यू को क्रॉस मल्टीप्लायू को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लायू और यू की वैल्यू में पुट कर देता हूं ये फाइनल रिजल्ट बन गया आपका वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी सिंप्लीफाई जरूर करना आंसर मैच नहीं करेगा नहीं तो एक्स टू दी पावर वाई को मल्टीप्लाई किया बिल्कुल उसी तरीके से जैसा भी बताया एक्स आपस में सॉल्व होगा एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन और ये एक्स टू दी पावर वाई एज इट इज यहां आ जाएगा इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे बच्चों dv अपॉन डी एक्स और दोनों की जो डेरीवेटिव derivative, दोनों डेरिवेटिव्स को आप यहां पुट करेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा उसके बाद आपको क्या क्योंकि पूछा आपसे है क्या फाइंड करना करना कैलकुलेट था हमें ये दोनों थोड़ी ना कैलकुलेट करने अब ये दोनों जब डेरेवेटिव आप यहां पुट करेंगे तो एक कैलकुलेशन होगी फोर डीवाई बाई डी एक्स जैसा हमने किया था डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हुए तो ये आगे का काम तुम्हारा है ओके okay? फिर देखो क्या क्वेश्चन सेम चीज है लेकिन यहां इस क्वेश्चन की अगर खास बात देखें तो यू और वी मानने की जरूरत नहीं है एडिशन सब्ट्रेक्शन की, की फॉर्म में टेकिंग डायरेक्ट ले सकते हो बच्चों जैसे टेकिंग लॉग बॉथ द साइड लेने पर यह फॉर्म बनेगी एक्स लॉग वाई और ये बनेगा बच्चो वाई लॉग एक्स उके? और u डॉट v लगाते हुए दोनों साइड पर डीवाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो बड़ी आसानी से जैसे इधर लॉग वाई का वन अपॉन वाई वाई के साथ क्या आता हमेशा डीवाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई सेम एक्स का क्या होगा वन इधर कर लो राइट हैंड साइड वाई लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स एंड लॉग एक्स वाई का डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स को दोनों को पास पास रखो इन दोनों को साथ रखो dy/dx की कैलकुलेशन करो आंसर आएगा तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन लॉगरिथम के ऊपर बेस्ट। एक एग्जाम्पल नंबर 16 होगा बच्चों वो करना ये क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं है ना एक अच्छा क्वेश्चन है जरूर इसको ट्राई करना x टू दी पावर y y टू दी पावर x x टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर a इक्वल टू 1 फाइंड dy/dx फाइंड dy बाई डी एक्स ये थ्री टर्म तक का तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक टर्म मैंने और बढ़ा दी इसी के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें बच्चों 5.6 पॉइंट सिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फंक्शंस फंक्शन की अगर बात करें तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस एक्सरसाइज को भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बच्चों किसी भी फंक्शन का थोड़ा सा इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रहा हूं जैसे एक फॉर्म में लिख रहा हूं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस्थीटा और मेथड भी डिस्कस कर लेंगे है ना जनरल ना बता के पर्टिकुलर पर डिस्कस करते हैं बहुत सिंपल पार्ट है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस्थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटर दिस द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल बहुत ध्यान से देखो तो पैरामीटर क्या है बच्चों पैरामीटर थीटा है जो कि एक ऐसा वेरिएबल है जो एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को बताता है और वो रिलेशन लेकिन स्क्वायर बहुत साइड करने पर आपको मिलेगा और वो रिलेशन आ जाता है ए स्क्वायर देख रहा है सर्कल तो अब यहां दो मेथड है क्वेश्चन को करने के एक मेथड जो अभी आपको एग्जैक्टली exactly अप्लाई करना है वो बता रहा हूं और एक जो अप्लाई नहीं करना है वो बता रहा हूं कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पैरामीटर को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ते हैं जैसा कि यहां दोनों तरफ स्क्वायर करने पर पैरामीटर एलिमिनेट हो गया और फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं ये डिफरेंशिएशन कर दिया 2x, 2y टू एंड डी हो गया जीरो टू कॉमन डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाता है माइनस एक्स अपॉन वाई और एक्स की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें ए कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें ए साइन थीटा ए कैंसिल माइनस कॉट थीटा इस तरीके से इसका आंसर देते हैं बट स्टेटमेंट अगर आप एक्सरसाइज का पढ़ेंगे बुक के अंदर बहुत क्लियर लिखा हुआ है फाइन डीवाई बाई डी एक्स विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर तो बेटर है हम उसी मेथड के साथ आगे चले बेस्ट होगा तो पैरामीटर से रिलेटेड को जब भी दो इक्वेशन के ऊपर बेस्ट कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए dy बाई डी एक्स कैसे आएगा देखो छोटा सा प्रोसेस है बच्चों। तो थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों का यहां से मिलेगा डीएक्स बाई डी थीटा ये आता है माइनस ए साइन थीटा का डिफ्रेंशियशन यहां लिखेंगे बच्चों डीवाई डी थीटा ये होगा एस थीटा इक्वेशन नंबर टू इसको नाम देंगे और इक्वेशन नंबर इसको नाम देंगे ओके okay? अब इतना करने के बाद डी वाई वाई डी एक्स पर कैसे पहुंचा जाएगा बाय रूल तो इसके लिए आप इतना सा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर दें कुछ इस तरीके से डिवाई बाई डी थीटर अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिख दोगे एल एच एस को एल एच एस से डिवाइड किया आरएचएस को आर एच एस से एंड ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा ए से ए कैंसिल देखो क्या आ रहा है माइनस कॉट थीटा आंसर तो वही है बच्चों माइनस कॉट थीटा सो so, और ये जो कंसेप्ट है ये चेन रूल के कंसेप्ट से यहां से जो चीज बनती है बच्चों वो आते ही डीवाई बाई डी एक्स आपको ये डी थीटा कट नहीं करना है ऐसे कट नहीं होता है इस चीज को याद रखना बस सिंपल ऐसा लिखकर यहां पहुंच जाना डीवाई बाई डी एक्स माइनस कॉट थीटा ये फाइनल आंसर होगा आपका ओके okay? यहां पेन मत चला देना ऐसे इस तरीके से डी थीटा कट नहीं होता है चेन रूल से इसका एक कंप्लीट प्रूफ बनता है बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोग सीधा इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अब इसी में और भी छोटे छोटे पॉइंट है मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है इफ एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस एंड फाइन डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये आपसे पूछ ले बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू तो पहले तो क्लियर कर दें इस टू का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वेरी इजी इसी के थ्रू आपको मिलेगा जब फर्स्ट ऑर्डर होगा तभी तो सेकंड ऑर्डर निकाल पाओगे तो इधर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड दिख रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो कैसे देखें जरा डीवाई बाई डी एक्स का जो सिंबल जाएगा वो तो यही जाएगा सेकंड ऑर्डर में इधर कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना है जो कि आता है कॉट थीटा का होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट एक गलती हो रही है ध्यान से देखो अगर केवल इतना लिखा तो यहां नंबर कटेंगे 100 परसेंट क्योंकि आपने डेरिवेटिव पूरा नहीं लिखा बच्चों दोनों तरफ जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट में ये रखो। तो इसका जब हमने theta, लेकिन theta का भी तो करोगे तो थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा डी थीटा बाई डीएक्स डी थीटा बाई डीएक्स माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा थीटा एक्स की वैल्यू फ्रॉम फिर क्या फर्क पड़ जाता है कैसा ही फंक्शन दे दे आपको कैसा ही पैरामेट्रिक फॉर्म दे दे अब यहां से डीएक्स बाई डी थीटा और जबकि यहां है डी थीटा बाई डीएक्स रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था मैंने तो इसका जस्ट उल्टा आपको वहां मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों तो ये आ जाएगा आपके माइनस वन अपॉन ए साइन थीटा देख रहे हो ना यहां डी थीटा बाई डीएक्स है यहां डीएक्स बाई डी थीटा जिसका जस्ट रेसिप्रोकल यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर माइनस वन अपॉन ए ये देख रहे हो और वन अपॉन साइन थीटा को हम कॉसेक की फॉर्म में लिख सकते हैं कितना तो ये हो जाएगा कॉशेक क्यूब थीटा कॉशेक क्यूब थीटा तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर तक पहुंचे अब इसी में एक चीज और बढ़ा देता है बच्चों को इसी के अंदर एक चीज और बढ़ा देगा कि एट एनी एंगल मान लो मैंने पाई 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 फोर दे दिया तो कुछ नहीं करना करना थीटा की की जगह पाई 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 पुट करना है और पाई 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 वैल्यू हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो पुट करके इसको सॉल्व करो फिर देखो इसी में दो पॉइंट अभी और मैं डिस्कस करूंगा है ना यहाँ डिस्कस करते हैं देखो अब इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपसे अगर पूछ लिया जाए डी टू एक्स अपॉन डी थीटा टू एंड डी टू वाई अपॉन डी थीटा टू एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ये चेन दे दे ध्यान देना देखो एक गलती करते स्टूडेंट फिर से क्वेश्चन में बोल रहा हूं इफ एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस देन फाइन ये तीनों चीज फाइंड करनी है तो बहुत अच्छे से इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx एक्स बाई डी थीटा का ये मिल गया आपको कितना आया माइनस ए थीटा ये देखो माइनस ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन और इधर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बना माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा ये इधर ए कॉस थीटा का यहां से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया अब होता क्या है कुछ स्टूडेंट जब ये दोनों चीज मिल जाती है तो यहां पर डिवाइड करके इस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है बच्चों ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो डिविजन वाला जो मैथड मैंने बताया यहां पर ये ध्यान देखो इधर तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू आपको बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ मिलेगी जो अभी मैंने बताया समझ रहे हो तो फिर से एक बार सारी चीज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसी के थ्रू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना x के रेस्पेक्ट में और इन दोनों से वापस से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना जो कि मैंने इधर बताया ठीक है अब कुछ मेजर और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों में से एक क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये x और y पैरामेट्रिक फॉर्म आपको दी हुई है और वही dy बाई डी आपको कैलकुलेट करना है मेथड तो पता है लेकिन यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जाता है तो देखो इस वाले हिस्से को हम डिस्कस करते हैं पहले सबसे पहले x इज इक्वल टू यानी कि dx बाई dt की बात करेंगे बच्चों किसकी dx बाई dt की तो dx बाई dt t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा देखना जा रहा ध्यान देना a t का कितना होगा माइनस साइन टी लॉग ऑफ टेन टी बाई टू तो चेन रूल लगाना है भाई पहले लॉग का करोगे कितना टेन टी बाई टू ओके फिर टेन का करेंगे कितना सेक स्क्वायर टी बाई टू और टी बाई टू का कितना होगा बच्चों वन बाई टू फिर से देख लो कॉस टी का माइनस साइन टी लॉग का किया वन अपॉन टेन टेन का किया सेक स्क्वायर टी बाई टू और टी बाई टू का किया तो कितना आ गया वन बाई टू तो डिफ्रेंशिएशन तो हो गया लेकिन इसके बाद का जो काम है और बाद का काम क्या है इसको पहले सिंप्लीफाई करें कैसे सिंप्लीफाई होगा जरा देखो ए माइनस साइन टी अपनी जगह पर प्लस साइन कॉस में बदलो इसे पूरा बताते हैं देखो साइन कॉस में बदलोगे ये आएगा कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू साइन अपॉन कॉस कॉस ऊपर चला जाता है सेक स्क्वायर को आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी बाई टू और वन बाई टू ये देखो कॉस टी बाई टू से ये स्क्वायर गया टू साइन थीटा थीटा टू साइन थीटा थीटा क्या बना साइन टू थीटा तो ये आया बच्चों आपके पास माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी सब मल्टीपल है ना एंगल तो ये साइन टी और सॉल्व करें इसे एलसीएम लें माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से इसी फंक्शन के साथ दो से तीन बार आ चुका है एंड वन माइनस साइन स्क्वायर टी होता है बच्चों बाय ट्रिग्नोमेट्री कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी देखो साइन टी एंड दिस इज डीएक्स बाई डी टी बस यही है सबसे बड़ा काम बाकी का काम बहुत सिंपल है है ना वाई का तो बहुत इजी वाई इज इक्वल टू ए साइन टी तो डीवाई बाई डी टी की अगर बच्चों में बात करता हूं तो डीवाई बाई डी टी क्या हो गया ए को सी हो गया यार बहुत सिंपल ये आ गया इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय वन करते ही आपको फाइनल आंसर मिलता है ठीक है किस तरीके से देखो ये सॉरी यहां डीएक्स बाई डी टी चल रहा था हमारा तो इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय वन करते ही क्या होगा देखो इस जगह थोड़ा सा क्लियर करते हैं इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय वन करने पर आपको डीवाई बाई डी एक्स मिलेगा बच्चों जैसा रूल बताया तो दिस ये इक्वेशन टू है आपके पास a cos t अपॉन यहां पर भी है और ये आएगा ए कॉस स्क्वायर टी साइन टी कहा चला जाएगा बच्चों ऊपर तो ए कॉस टी से ये गया साइन टी cos t मिलकर क्या हो गया टेन टी है ना तो प्रोसेस वही है मेथड के ऊपर जब हम लोग आते हैं तो मेथड तो एक एक दो दो लाइन के हैं लेकिन बेसिक डिफरेंशिएशन में अगर कोई अटकता है ट्रिग्नोमेट्री में अटकता है फॉर्मुलों में कहीं अटकता है तो कैलकुलस क्या करेगा बच्चों बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा तो पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाओ बेसिक को स्ट्रांग बनाओ मैथड में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी चलो इसी जगह एक बार फिर पूछते हैं इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लू डी टू वाई अपॉन डीएक्स टू तो क्या करोगे बोलो जरा डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसे निकालेंगे टेन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखा सेक्स स्क्वायर टी और टी का लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से इसका जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई कर देना होता है तो इस क्वेश्चन के साथ ये छोटे मोटे पॉइंट के साथ क्वेश्चन को और बढ़ाया जा सकता है बड़ा किया जा सकता है फोर मार्क लेवल रखता है एक अच्छा क्वेश्चन है फिर यह क्वेश्चन बच्चों देखो बड़ा सिंपल सा छोटा सा है इसको ट्राई करना आप लोग इजी है इसलिए कुछ खास नहीं डी एक्स बाई डी थीटर एंड डी बाई बाई डी थीटर यहां क्लियर कर दू थोड़ा सा इस जगह पर कॉस्ट थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस साइन थियटा बट यहां क्या लगाओगे प्रोडक्ट रूल यू डॉट वी के साथ यहां भी क्या लगाओगे यू डॉट वी के साथ तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना अच्छा क्वेश्चन है इसलिए यहां पर मार्क किया हुआ है हाँ ये क्वेश्चन हम लोग देखें कई तरीके से इसको किया जा सकता है जैसे दो इक्वेशन आपको दी हुई है बच्चों और शो करना हमारी बुक का ही क्वेश्चन है है आया हुआ बोर्ड में तो यहां मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन को लॉग वोग लेके डिस्टर्ब ना करो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करो जैसे मैं बता रहा हूं डीएक्स बाई डी टी डीएक्स बाई डी टी बहुत सिंपल पहले चेन रूल लगाओ सिंपल रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स ए टू पावर एक्स का ए टू पावर साइन इनवर्स टी लॉ गए और लास्ट में आप साइन इनवर्स टी का करेंगे बच्चों जो कि आता है वन माइनस टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन दे देना तो जो सेकंड इक्वेशन है देखो फॉर्मेट लगभग सेम है बस ये साइन इनवर्स कॉस इन्वर्स और इनके डेरेवेटिव में भी केवल माइनस का डिफरेंस होता है तो बिल्कुल इसी तरीके से डीवाई बाई डी निकाल लेते हैं हम लोग देखो डीवाई बाई डी थोड़ा सा डायरेक्ट में लिख रहा हूं क्या आएगा देखें जरा पहले रूट एक्स का किया बच्चों आपने ए टू पावर कॉस यूनिवर्सिटी फिर ए टू पावर एक्स की फॉर्म यानी कि ये हो जाता है ए टू दावर कॉस इनवर्सिटी लॉ गए और कॉस यूनिवर्सिटी का हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर इसको देना इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय फ्रॉम फोर डीवाई बाई डी एक्स क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है देखो ना ध्यान से ये टर्म कैंसिल लॉग वन अपॉन टू कैंसिल और ये एक्स अपॉन रूट एक्स एक्स अपॉन रूट एक्स क्या बनता है रूट एक्स तो ये देखो ये फॉर्म और ये फॉर्म फॉर रूट का ऊपर चला जाएगा रूट ऊपर शिफ्ट होगा यहां भी रूट ऊपर शिफ्ट होगा तो जैसे डिवाइड करोगे बच्चों तो ये फॉर्म बनता है इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय वन करने पर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूड ऊपर शिफ्ट होते हुए अंडर रूड ए कॉस टी माइनस के साथ ये माइनस बचेगा यहां पर और ये आ जाता है अंडर रूड ए साइन टी और ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स ठीक है तो ये पैरा के कुछ क्वेश्चन वाइज तो बहुत सिंपल है बट जो भी एक तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उस पर ध्यान दें नौ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज 5.7 इसके बारे में तो अभी अभी कुछ क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस भी किया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है लेकिन यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और जो चार पांच क्वेश्चन तो ऐसे है जिनका एक पैटर्न में बताऊंगा बच्चों उसी तरीके से करोगे बहुत ईजी पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ मीनिंग के साथ समझते हुए चलते हैं y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं बच्चों डीवाई बाई डी और इस डेरिवेटिव को वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू यही अभी एक क्वेश्चन में बताया अभी लेकिन कुछ सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशंस और भी हैं यहां पर तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं y का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियेशन है बच्चों वो आप y1 भी लिख सकते हैं और y1 का जब आप दोबारा डिफरेंशियेशन करेंगे तो उसको y2 भी लिख सकते हैं कई जगह आप लोगों को डैश देखने को मिलेगा y डैश और y डबल डैश ठीक है और जब ये सारी चीज जैसा क्वेश्चन दैट का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा पूछा जाए वैसा ही प्रेजेंटेशन रखें तो ज्यादा बेटर होगा फिर कुछ छोटे मोटे पॉइंट तुम लोगों को y1, y2 के साथ डिस्कस करके बता देते हैं सेपरेट मान लो आप लोगों से कहा जाए ये एक वाई स्क्वायर मैंने लिखा है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे टू वाई और y का वापस से करेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी एक्स तो हम लिखते हुए आए हैं बहुत सारा लिख लिया हम y1 के साथ चलते हैं सेकेंड फॉर्मेट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर तो y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बनेगा बच्चों 2y y1 कैसे पहले पावर का हुआ 2y और फिर y का भी किया आपने तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना y1 अब फिर मैं कह देता हूं इसका फिर से एक बार कर दो जरा x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे प्रोडक्ट रूल u डॉट v देखो जरा ध्यान देना 2 अपनी जगह y सेम y1 का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है दोबारा y2 और वाई वन को सेम रखते हुए वाई का डिफ्रेंशिएशन लिखा जाता है बच्चों वाई वन तो कुछ इस तरीके से आप वाई वन वाई टू के साथ क्वेश्चन को लिखना भी आना चाहिए ठीक है क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा बेटर होगा देखो एक सिंपल सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बड़े आराम से तसल्ली से करते हैं चीज मिल जाती है लेकिन कुछ बच्चे वही बचपन वाली जो आदत है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस उससे जूझते रहते हैं बड़ी दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन में एक तरीका तो ये बनता है बच्चों कि y से y1 निकाल लो और y1 से सीधा सीधा y2 निकाल लो y y1 y2 की वैल्यू आप उठाकर यहां यहां और यहां पुट कर दें और कैलकुलेशन करें फाइनली कट पिट के क्या आना है जीरो आना है, है ना कैलकुलेशन क्वेश्चन लंबा दिखेगा लेकिन तो बेटर होगा फॉर्मेशन आप क्या करेंगे बच्चों यहां पर देखो कैसे क्वेश्चंस को अरेंज करना है कैसे फॉर्मेट करना है इस दी गई इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को फॉर्मेशन कर दो है ना ये इक्वेशन बना दो सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन वो बना दो कैसे ध्यान देना सबसे पहले वाई वन की तो जरूरत पड़नी है तो y से y1 तो आप कैलकुलेट करेंगे ही थ्री कॉस लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत नहीं आनी बहुत सिंपल पहले कॉस का किया ये देखो फिर, log x का किया अपॉन एक्स इधर आ जाओ बच्चों फोर साइन x फोर साइन का किया कॉस और लॉग का किया अपॉन एक्स अब खुद सोचो जो स्टूडेंट y1 से y2 तो निकालने की कोशिश करेगा एलसीएम लेने के बाद u ओपोन v लगेगा u ओपोन v कंपेरेटिवली प्रोडक्ट रूल के क्या है बड़ा एक्सप्रेशन है तो बेटर है आप क्या करेंगे यहां पर बच्चों x एलसीएम लेना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और इस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं एक कंडीशन डाल देते हैं कि आप यू ओपोन वी अप्लाई मत करो बचो इससे प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो इजी लगेगा ये देखो एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और अभी फिलहाल ये आपका इक्वेशन नंबर वन यहां पर आपको बनाना है और अगले स्टेप में आंसर दिख जाएगा बच्चों ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस दी गई इक्वेशन को वन देना नाम गिवन इक्वेशन वन एंड दिस इज टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन है ना सॉल्व करने के बाद जो चीज बन रही है उसको equation number two दे दो। x। अभी-अभी सिखाया क्या लगना है एक्स का और का डिफ्रेंशियन क्या रखोगे बच्चों वन अब देखो इधर, बस आंसर आने वाला है बिल्कुल सेम उसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं कॉस लॉग एक्स लॉग एक्स का अपॉन एक्स माइनस फोर साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स अब देखो एक्स एल्सियम आया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन माइनस यहां पर बच्चों हमारे अब ये जो फॉर्म बना थ्री कॉस लॉग एक्स यहाँ पर जस्ट ए मिनट साइन की गलती कर गए बच्चे हम लोग थ्री uh, कॉस में ये ही गया था फोर साइन ऑफ कॉस एक्स वाई वन अच्छा ये माइनस चल रहा है बच्चे यहाँ ये ये माइनस तो यहाँ भी माइनस ठीक है थ्री माइनस थ्री शुरू से हमारा चला आ रहा है और साइन का डिफरेंशिएशन अब माइनस कॉमन निकाला बच्चों आपने माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो फॉर्म बनेगी ये इक्वेशन नंबर वन बन जाती है देखो ध्यान से तो इसको आप वाई लिख देंगे और अगले स्टेप में आंसर होगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो यही तो प्रूफ करना था हमें देखो तो दो से तीन स्टेप के अंदर यहां पर पहुंचा जा सकता है कुछ ऐसा ही मेथड और तरीका आप लोगों को बाकी क्वेश्चन में भी रखना पहले एक सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन में बता देता हूं फटाफट फटाफट फटा देखो दो से तीन तीन लाइन में होते चले जाएंगे ये देखो दिखने में इतना लंबा जोड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है बट दो लाइन में आंसर देगा ये तो रहा बच्चों क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाई वन वाई टू का फॉर्म चल रहा है प्रेजेंटेशन वैसा ही रखना है वाई का क्या होगा वाई वन चेन रूल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कि मैंने कहा था प्रोडक्ट टूल के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और जैसे ही अगला डिफरेंशिएशन करेंगे ना बच्चों सीधा वही चीज बनेगी जो हमें प्रूफ करनी है इक्वेशन नंबर टू एंड अगेन डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई वन वन प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का कितना वाई टू टू इनवर्स एक्स वन प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई हैंड्स प्रूफ क्रॉस मल्टीप्लाई प्रूव ये चीज आ गई देखो कर लोगे इतना सा ये होल स्क्वायर बन गया और ये पार्ट आपका आ गया ये सेकंड टर्म तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ हमें ज्यादा उस तरीके से फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है ई टू दावर एमएक्स और ई टू दावर एनएक्स एक बार डिफ्रेंशिएशन करो दो बार करो तीन बार करो सौ बार करो टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों वहां का वहां मूव करता है कॉन्स्टेंट का फर्क आता चला जाता है तो बेटर है यहाँ क्या करने वाले हैं आप लोग खुद से करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां आपको वाई से डीवाई बाई डी एक्स निकालना है चलो मैं लिख देता हूं बहुत सिंपल a ए टू दावर एम एक्स एन बी ई टू पावर एम एक्स इसको दे देना इक्वेशन नंबर वन इसको इक्वेशन नंबर टू और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर निकालना डी टू वाई डी एक्स टू एम स्क् पावर एम एक्स एंड एन स्क्वायर बी ई टू पावर एन एक्स इक्वेशन नंबर थ्री इतना करने के बाद क्योंकि तो डिफरेंशिएशन तो फट हो जाएगा इतना करने के बाद वन टू थ्री तीन चीजें हैं वाई ये देखो वाई यहाँ पुट करना सेकेंड इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स पुट करना एंड थर्ड इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू पुट करना बच्चों और एक कैलकुलेशन जरूर होगी रिटर्न वर्क जरूर जाएगा थोड़ा लेकिन फटफट चीजें कैंसिल होती हुई नजर आ जाएंगी आपको और फाइनली क्या मिलेगा जीरो तो पुट करते हुए इस क्वेश्चन को करें और देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी थ्री बिल्कुल फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है ये भी इस तरह के जो अभी क्वेश्चन बताया टेन इनवर्स लॉग वाला ये देखो ये इक्वेशन नंबर वन दो तीन लाइन में आंसर दे देगा डिफरेंशिएशन dx बाई e डी the पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे आप वन माइनस एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत इसमें चेन रूल लगाते हुए हम यहां पहुंचे इक्वेशन को यूज में लेना आना चाहिए इक्वेशन नंबर वन जो कि गिवन है इक्वल टू वाई दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वैल्यू पुट कर दी बच्चों ये बना माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यू अपॉन वी के लिए मैंने मना कर रखा है प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन को चलाएंगे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स डिस इंप्लाइज चलाते रहना सर इज इक्वल टू ए वाई माइनस ए वाई क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं टेकिंग स्क्वायर बहुत जैसा है और चाहूंगा कि इसके बाद आप करें क्या करना है हिंट में दे रहा हूं जैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे तुरंत आंसर दिखेगा देखो वाई टू वाई कॉमन आने के बाद कैंसिल के होगा प्रोडक्ट रूल लगाना बेटा क्या लगाओगे u dot v इधर और इधर y स्क्वायर का लिखेंगे आप 2y divide by dx तो यहां पर क्या होगा बच्चों 2 divide by dx कॉमन आके कैंसिल होगा 2y कैंसिल होगा फाइनल आंसर मिलेगा ये तो इतना आप लोग अपने आप ट्राई करना तो इस तरीके से बच्चों mod के जो मेथड्स की अगर बात करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक यहाँ कंप्लीट होता है